ट्रू कॉलर, आपने तो नाम सुना ही होगा या आपने कभी ना कभी तो यूज किया होगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रू कॉलर काम कैसे करता है, क्या ट्रू कॉलर सेफ है। सेफ इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल अभी एक न्यूज आई थी कि ट्रू कॉलर जो है जितने भी यूजर है उनके पास मैसेज भेज रहा था कि आपके बैंक अकाउंट को यूपीआई से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। तो यहीं पे इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये सेफ है, बिना परमिशन के आपके बैंक अकाउंट को यूपीआई से रजिस्टर कर रहा है तो क्या ये सेफ है या नहीं सेफ है, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं बताऊंगा कि ये जो है काम कैसे करता है ट्रू कॉलर, क्योंकि आपके पास जो फोन आता है, किसी का भी फोन आता है, तो जिसका नंबर आपने सेव नहीं कर रखा है तो आपको नाम बता देता है, देखते होंगे कि आपके स्क्रीन पर शो कर देता होगा कि ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो ये काम कैसे करता है, इनके पास जो है ये डाटा कहां से आता है कि आपका नाम बता दे रहा है। और फिर आगे चलकर बात आती है कि इनकी इनकम क्या है, ये कमाता कैसे ट्रू कॉलर से, कितनी कमाता है, वो मैं आपको बताऊंगा पूरा। इसको शायद आप नहीं चाहते होंगे पूरा, मैं आपको इसमें एक चीज करके खोल करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करके बता दूंगा कि ये काम कैसे करता है, जो नंबर जो बता देता है किसके नाम से है वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले यहीं से। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि काम कैसे करता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपसे जब उसके ओपन करते हैं तो वहां आपसे परमिशन मांगा जाता है कि आप जो इसके कॉन्टेंट को अलाउ करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से मैसेज शो होता है। तो वहां पे आप क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं, हालांकि आप उसे पढ़ते नहीं है क्या पे क्या लिखा होता है। वहां पे टाइटली लिखा होता है कि आप जो है एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपके कॉन्टेक्ट, मतलब आपने जो जो भी नंबर सेव कर रखा है उसको वो एक्सेस करेगा। तो आप इसे क्या करते हैं, सिंपली से अलाउ कर देते हैं। उसके बाद जो आपको एक और जो है वहां पे शो होता है, जहां पे लिखा होता है कि आपका मैसेज को जो भी एक्सेस करेगा तो आप उसे भी अलाउ कर देते हैं। तो सिंपली सा फंडा ये है कि आपको जो है जो जो भी आपने परमिशन दे रखा है सारा कुछ वो एक्सेस कर रहा है। फिर क्योंकि ट्रू कॉलर तो आप ही एक यूज नहीं करते हैं, क्यों बहुत सारे यूज करने वाले थे, सबके कॉन्टेक्ट को वो क्या करता है, एक्सेस करके अपने सर्वर पे, जो भी आपके पास डाटा है, आपके पास जो भी सर्वर पे जो ने अपने कॉन्टेक्ट में नाम सेव कर रखा है उसको क्या करता है, उस डाटा को लेकर के अपने सर्वर पे अपलोड कर देता है, जो उनका सर्वर है उसमें अपलोड कर देता है। और जब किसी भी आदमी को कोई भी अननोन नंबर से फोन जाता है, किसी भी जिसमें नाम सेव नहीं हो, तो उस नंबर को सबसे पहले क्या करता है कि वो अपने सर्वर पर सेंड करता है, जो आपके आपसे कॉन्टेक्ट ले रखा है और उसको अपने सर्वर पर जिन्होंने इंस्टॉल करके रखा है, वो बोले तो सेव करके रखा है, तो उसमें इस नंबर को शेयर करता है, सेंड करता है। और उसके बाद वहां पर चेक करता है कि ये नंबर जो है किस नाम से सेव है, मतलब आपने जो सेव कर रखा है किस नाम से सेव है, फिर इस नाम को आपके पास फिर मोबाइल पे शेयर कर दिया जाता है कि इस नंबर को इस नाम से सेव किया गया है और ये बंदा ये है। तो काम इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसे डाटा को लेकर के आप भी पे यूज करता है। फिर आगे चल के बात आती है कि क्या ये सेफ है, क्या इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात यहाँ पे आके फंस जाती है कि अभी जो फिलहाल जो मैसेज भेजा जा रहा था कि आपके बैंक अकाउंट को यूपीआई से रजिस्ट्रेशन जो कर दिया गया है, जबकि आपने परमिशन नहीं दिए ट्रू कॉलर को इस तरीके से करने के लिए, तो बात यहाँ पे सेफ है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रू कॉलर ने अभी एक ट्वीट किया था इसी के रिगार्डिंग, और उन्होंने कहा था कि ये जो है एप्लीकेशन के बग थी, जो बग को सही कर दिया गया कि एप्लीकेशन में बग था, इसी बिना पे इस तरीके से हो रहा था, लेकिन अब जो है अब इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब इस तरीके से किसी को मैसेज नहीं जाएगा। ये यूज करने के लिए यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जिस तरीके से ट्रू कॉलर है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, या फिर कोई भी पेटीएम, जो भी एप्लीकेशन, वो सारा जो है आपसे परमिशन मांगता है, क्योंकि आप जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तो आप जो उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो सारी एप्लीकेशन इसी तरीके से काम करता है कि आपके परमिशन के लेता है, तो बिल्कुल ट्रू कॉलर भी वही करता है। तो फिर आगे चलकर बात आती है कि क्या आपको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बाकी एप्लीकेशन की तरह ये भी काम है, तो आप चाहते हैं तो यूज करिए। अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, मतलब ऐसा कोई डाटा है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो आप ट्रू कॉलर को यूज न करिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप यूज करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने प्राइवेसी को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आप रखिए, न यूज करिए। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, यूज कर लीजिए, इसमें किसका क्या जाता है। फिर आगे चलकर बात आती है कि ये कमाता कैसे है, जो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन ये कमाई कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो डाटा आपसे लिया उन्होंने, चाहे कॉन्टेक्ट हो, मैसेज हो, जीमेल आईडी, जो आपसे लिया गया है, उसको क्या करता है, थर्ड पार्टी से बेच देता है, उससे काफी पैसा मिलता है। थर्ड पार्टी क्या होता है कि जैसे एग्जांपल तौर पे आपके पास जो फोन आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों का फोन आता है कि सर आपने इसमें पार्टिसिपेट, जैसे कभी जियो का जो फोन आ रहा था कि आपने जियो के लकी यूजर में से आए और आपको 25 लाख का इनाम दिया जा रहा है, तो ये थर्ड पार्टी हुआ। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे बैंक डिटेल पूछता है, तो ये भी थर्ड पार्टी हुआ। तो क्या कहते हैं, जो एप्लीकेशन डेवलपर रहता है, इस
जो आपसे डाटा लिया गया है उस डाटा को आपको बेच देता है इन्हीं थर्ड पार्टी से। फिर ये थर्ड पार्टी जो है यूज करता है, तो कैसा होता है कभी कभी ऐसा कि जिसको भी वो फोन करता है थर्ड पार्टी, तो कभी कभी उसके झांसे में आ जाता है और अच्छा खासा उसको लॉस हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से उसकी कमाई होती है। और उसके बाद जो ट्रूकॉलर जो है उसमें उन्होंने एक फीचर रखा है कि उसमें प्रीमियम वर्जन लीजिए तो उसमें आपको बहुत कुछ अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम वीडियो को अब यहीं से खत्म कर लेते हैं।